कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मैं समझता हूं इससे छोटी और इतनी महिमावान परिभाषा कोई दूसरी होगी नहीं। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन का शुभारंभ ही गुरु की कृपा से होता है, आशीर्वाद से होता है। बाकी तो भटकते रहोगे, हम तो भटक रहे थे। जीवन अगर किसी के हाथ में आ गया, सदगुरु के हाथ में आ गया, किसी महत्पुरुष के हाथ में आ गया, तो पतंग की आकाश की जैसे ऊंचाई। और वैसे भी आप अनुभव करेंगे जिन्होंने भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी, आर्थिक जगत में भी, सामाजिक जगत में भी जिन्होंने ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरी है, वो किसी के हाथ में ही रहे थे, किसी न किसी के वो हाथ में रहे थे। वही उड़ेगा, बाकी तो चिड़चिड़ाता रह जाएगा। किसी के हाथ में जाइए, किसी के हो जाइए, किसी के हो जाए। कोई ऐसे चरण चाहिए जहां हम बैठ सके, जहां हम रो सके, जहां हम अपनी पीड़ा को उगल सके, जहां कोई हमारी पीठ थपथपा सके, हमारे सिर को हाथ रखकर सहला सके, हमारे आंसू पोंछ सके, हमको सांत्वना दे सके, उत्साह दे। कोई ना कोई एक स्थान, और वो स्थान केवल गुरु का ही है। बाकी कहीं रोने की आवश्यकता नहीं। अरे भाई भतीजे परिवार में रोओगे उस समय तो वो घड़ियाली आंसू बहाएंगे, निकल कर जाओगे, कहने लग जाएंगे अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। क्योंकि कोई किसी के आंसुओं को पहुंचता नहीं है, वो सब ऊपर की दिखावटी बात है। तो अगर जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त करनी है